वेलकम बैक टू स्क्रिप्टेड। आ गया है थर्सडे और थर्सडे की सबसे ज्यादा इंतजार होने वाली वीडियो के साथ आपके साथ में स्क्रिप्टेड हाजिर है। जी हाँ, मैं बताने जा रही हूँ आपको वीक 12 की टेलीविजन टीआरपी, जिसमें कि काफी सारे शोज में उतार चढ़ाव हुआ है। सबसे पहले ये रिश्ते क्या कहलाता है के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रिश्ते क्या कहलाता है इस बार लेकर आया है 2.3 की टीआरपी। जी हाँ, 2.3 की टीआरपी के साथ पिछली बार से कम है ये रिश्ते क्या कहलाता है की टीआरपी। और आखिरकार ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रिश्ते क्या कहलाता है, फैंस का ऐसा मानना है कि रिश्ते क्या कहलाता है का ट्रैक जो है अभी फिलहाल के लिए जबरदस्ती खींचा जा रहा है। अब अगर मैं स्टार्स के बॉपियर शोज की बात करूं, सबसे पहले टॉप 1 नंबर शोज की बात करूं, तो वो बना है फिर से अनुपमा 2.9 की टीआरपी के साथ। टॉप 5 शोज की अगर मैं बात करूं तो उसमें अनुपमा है 2.9 की टीआरपी के साथ नंबर 1 पर। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में 2.7 की टीआरपी के साथ। नंबर 3 पर जो शो आया है वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.3 की टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर आए हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 शोज, फालतू, इमली एंड पांड्या स्टोर, तीनों ही 2.1 की टीआरपी के साथ। नंबर 5 पर जो शो आया है वो है ये है चाहते 1.9 की टीआरपी के साथ। बाकी और शोज की अगर मैं टीआरपी बताऊं तो तेरी मेरी डोरिया की है 1.6 और चाशनी की है 1। जी हाँ, तो ये थे स्टार्स के सभी शोज की टीआरपी, जिसमें कि अनुपमा ने टॉप किया, ये रिश्ते क्या कहलाता है 2.3 की टीआरपी लेकर आया है, कुमे किसी के प्यार में 2.7 की। चलिए बढ़ते हैं दीक्षांत की तरफ जो की है कलर्स टीवी। कलर्स टीवी की शोज की अगर मैं बात करूं तो इसमें ससुराल सिमर का टू लेकर आया है 0.6 की टीआरपी, सारी की सवारी 1 की, उदारिया 1.4 की, परिणीति 1.4 की, धर्मपत्नी 1.2 की, जुनूनियत 1.1 की, तेरे इश्क में घायल 0.8 की, अग्नि साक्षी 0.6 की, मॉल की 0.6 की, दुर्गा और चारू 0.6 की, नागिन 6 1.5 की, एंड बेकाबू 1.3 की टीआरपी लेकर आया। सबसे ज्यादा टीआरपी लेकर जो शो आया है हम सब के लिए वो है नागिन 6 1.5 की टीआरपी बन गया है कलर्स टीवी का नंबर 1 शो। बढ़ते हैं जी टीवी के शोज की तरफ, जिसमें मीत ऑन जी की आई है 0.5, लग जा गले 0.5, मैत्री 0.5, मैं हूं अपराजिता 0.8, राधे मोहन 1.3, भाग्यलक्ष्मी 1.6, कुमकुम भाग्य 1.5, कुंडली भाग्य 1.6, रब से है दुआ 0.8। जी हाँ, अब अगर मैं जी टीवी के नंबर 1 शोज की बात करूं तो भाग्यलक्ष्मी एंड कुंडली भाग्य दोनों ही बन गए हैं नंबर 1 शोज के 1.6। ये थे हमारे फेवरेट शोज की रेलिवेंट टीआरपी जो अभी अभी मैंने शेयर की, जो कि अब तक रिलीज हुई है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है फैंस की, क्या ये रिश्ते क्या कहलाता है कि टीआरपी बढ़नी चाहिए थी या फिर जो आई है वो ट्रायल के हिसाब से ठीक आई है? कुम है किसी के प्यार में की टीआरपी के बारे में भी जरूर बताइएगा। और बाकी और जो भी फेवरेट शोज हैं आपके, तेरी मेरी डोरिया की टीआरपी का जो ट्रैक चल रहा है फिलहाल, क्या उस हिसाब से उनकी 1.6 की टीआरपी काफी कम है, इसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या कहना है आपका वी 12 की इन टेलीविजन टीआरपीज पर, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। टिल देन बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।